भारत का वो नया संसद भवन जो अगली कई पीढ़ियों तक हमारे लोकतंत्र का गवाह रहेगा, उसका निर्माण ना हो, वो संसद भवन ना बन पाए, क्या आपको पता है इसके लिए क्या क्या किया गया? भारत का वो नया संसद भवन जो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है और जहां 1,272 सांसद एक साथ बैठ पाएंगे, वो ना बन पाए इसके लिए कितनी बाधाएं खड़ी की गई, कितनी अड़चने लगाई गई? भारत का वो नया संसद भवन जो करीब 900 करोड़ रुपए में सिर्फ 2 साल 4 महीने में बनकर तैयार हो गया, क्या आपको पता है वो ना बन पाए उसके लिए कितनी बार कोर्ट में मामले को फंसाने की कोशिश हुई, किस किस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? आज जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा और आधुनिक मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि मुश्किलों की कितनी दीवारों को तोड़कर बनाया गया है ये नया संसद भवन। द ड्राफ्ट के इस एपिसोड में आज हम आपको नए संसद भवन को विनाश कहने वालों से लेकर इसे बार बार कोर्ट में घसीटने वालों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द ड्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात साल 2019 की है, जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार एक्शन मोड में थी, सरकार की प्रायोरिटीज तय हो चुकी थी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार पुराने फंसे हुए कामों को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी। इस दौरान प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि 2012 में स्पीकर मीरा कुमार ने नई संसद बनाने का प्रस्ताव दिया था, संसद भवन की हालत जर्जर है, इसके कई काम पेंडिंग है, सेंट्रल विस्टा भी अधूरा है, इसे पूरा किए जाने की जरूरत है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पुरानी और राष्ट्रीय महत्व की सारी परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नई संसद पर नए सिरे से काम शुरू करें। प्रधानमंत्री के इतना कहते ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक करीब 3 किलोमीटर एरिया को फिर से डेवलप करने का प्लान बनाने की शुरुआत हुई। इसे नाम दिया गया द मास्टर प्लान ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और सितम्बर 2019 में डिटेल प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू किया गया। करीब 6 महीने लगाकर सेंट्रल विस्टा का प्लान बनकर तैयार हुआ। इस प्लान में नए संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति निवास और कई सरकारी दफ्तरों का निर्माण होना था। डिटेल चर्चा के बाद 23 अप्रैल 2020 को सेंट्रल विस्टा कमेटी ने नई संसद बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। बजट तय हुआ और तब से लेकर आज की तारीख तक नए संसद भवन के काम को रोकने के लिए देश के कुछ लोगों ने जी जान लगा दिया। और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत हुई कांग्रेस की तब की अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक चिट्ठी से। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार से नए संसद भवन के निर्माण को रोकने की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा लग रहा था कि कोरोना के कारण पहले से ही देरी से चल रहे इस प्रोजेक्ट का काम अब शुरू हो जाएगा। तभी अचानक नए संसद भवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 7 याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में कहा गया, नई संसद के लिए बने प्रोजेक्ट को गलत तरीके से मंजूरी दी गई, लैंड यूज बदला गया, 1000 पेड़ काटने का प्लान बनाया गया, प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले इसका पर्यावरण ऑडिट तक नहीं कराया गया, सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने बेहद कम समय में बिना जांच किए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, इसलिए इसकी जांच की जाए और इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जज भी सरकार के रवैये से हैरान रह गए। कोर्ट ने कहा, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार निर्माण कार्य को लेकर इस तरह से आक्रामक रवैया अपनाएगी। कोर्ट के इस कमेंट के बाद एक बार तो ये लगने लगा कि नई संसद का निर्माण नहीं हो पाएगा। हालांकि कोर्ट ने अपनी बातों के साथ ये भी कहा कि सरकार शिलान्यास कर सकती है, कागजी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई नहीं होगी। इसके बाद जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई हुई, जहां 3 जजों की बेंच ने 2-1 से नए संसद भवन के निर्माण के विरोध में दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इतना कुछ होने के बाद नए संसद भवन की पहली ईंट रखे जाने का काम शुरू हो पाया। इतना कुछ होने के बाद नई संसद के निर्माण का काम तेजी से चलने लगा, लेकिन इसके विरोध करने वालों ने भी हार नहीं मानी। 2021 में नए संसद भवन के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर कोरोना फैलने का खतरा है, इसलिए नई संसद का निर्माण कार्य रोक दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने नई संसद के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि सेंट्रल विस्टा एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। तब तक संसद का निर्माण तेजी से होने लगा था। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से हार मान जाते, ऐसा कैसे हो सकता था?
वो इस बात के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नए संसद भवन का निर्माण ना हो पाए। इसके लिए इस बार पिक्चर में आया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के निर्माण में उसकी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे तुरंत रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। वैसे ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि नए संसद भवन की कल्पना 1990 के दशक में सबसे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तब की गई थी जब शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। उस समय लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कहा था कि संसद भवन पुराना हो रहा है और यहाँ कई सारी समस्याएं हैं, परिसीमन कराने पर नए संसद भवन की जरूरत होगी, इसलिए हमें नए संसद भवन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तब पीवी नरसिम्हा राव ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद 2012 में यूपीए की सरकार के दौरान नए संसद भवन का मुद्दा फिर से उठा। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मौजूद हैं, जब तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार की ओर से 13 जुलाई 2012 को शहरी विकास मंत्रालय को नई संसद के निर्माण के लिए एक चिट्ठी लिखी गई थी। संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में यहां कार्यवाही शुरू हो गई थी। करीब 100 साल पूरा होने पर अब इसे हेरिटेज ग्रेड 1 भवन घोषित किया गया है। उम्र बढ़ने और संसद भवन के उपयोग के कारण दशकों से कई जगहों पर संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं। लेकिन वक्त के साथ यूपीए का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसकी आंखों में ही चुभने लगा, क्योंकि समय बदल गया था। वैसे जब नए संसद भवन के विरोधी इसके निर्माण को रोकने में नाकाम हो गए तो उन्होंने नए सिरे से विवाद की शुरुआत की। ये विवाद उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। कई विपक्षी दलों ने शेर के आक्रामक होने पर आपत्ति जताई तो कुछ को इस बात से आपत्ति थी कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन क्यों किया। हालांकि इन विवादों का संसद भवन के निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ा तो नया विवाद इसके उद्घाटन को लेकर किया गया। विपक्ष चाहता था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, लेकिन उद्घाटन का काम पीएम नरेंद्र मोदी के हिस्से आया। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि नए संसद भवन का निर्माण मुश्किलों और विवादों की दीवारों को तोड़कर किया गया है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि इन सब के बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है कि नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन का काम शेड्यूल्ड है। संविधान के आर्टिकल 81 में हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन मौजूदा आबादी के हिसाब से करने का भी नियम था, लेकिन 1971 के बाद ये नहीं हुई है। अब जब नई संसद बनकर तैयार है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि पुरानी संसद से नई संसद कितनी अलग और आधुनिक है। पुराना संसद भवन गोलाकार है जबकि नई संसद त्रिभुज यानी ट्रायंगुलर शेप में बनी है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में बना था जबकि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में है। पुराने भवन के लोकसभा हॉल में 552 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए लोकसभा हॉल में 888 लोकसभा सदस्य बैठ सकेंगे। पुराने भवन के राज्यसभा हॉल में 245 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए राज्यसभा हॉल में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में कुल मिलाकर 1224 सदस्यों के बैठने की भी व्यवस्था होगी। पुराने भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को अंग्रेजों के दौर में रखी गई थी, उसे 83 लाख रुपए में बनाया गया। नए संसद की नींव 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, ये करीब 900 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। पुराने संसद भवन के निर्माण में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नई संसद को 2 साल 4 महीने में बना लिया गया। इन बातों के अलावा नई संसद में और भी बहुत कुछ है, जैसे पुराने संसद में 1 इमरजेंसी एग्जिट था लेकिन नई संसद में 2 इमरजेंसी एग्जिट है। नई संसद की लोकसभा चैम्बर की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है, वहीं राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। कुल मिलाकर नया संसद भवन 21वीं सदी में बढ़ते भारत का प्रतीक है जो मुश्किलों की दीवारों को तोड़कर बनाया गया है। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।